स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास ट आज बात करते हैं जो कमिंग सेशन है या अभी जो बच्चे 10th देने वाले हैं उनको तरह तरह के सवाल दिमाग में चलते हैं कि साइंस लूं कॉमर्स लूं ह्यूमैनिटी लूं आपके साथ उठने वा, बैठने वाला कोई दोस्त होगा जो पहले आपने डिसाइड किया होगा कि वो साइंस लेगा तो आपका भी डिसाइडेड का साइंस लेगा और ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि उस दोस्त ने कहा कि भाई मुझे ह्यूमैनिटी देने लिया है ऐसा होता है ऐसे कई बच्चे करते हैं कि अचानक से वो चेंज करते हैं एक पाथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपने कहीं देखे होंगे और भी कि क्या चेंजेस आते हैं एक बहुत ही सिलेबस इंक्रीज करता है, है ना थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता लेकिन थोड़ी नई नई चीजें एड ऑन होती है तो जैसे आपने सेवेंथ में आए सेवेंथ किया फिर जो एट्थ में गए होंगे तो थोड़ा सा सिलेबस में लीप आया थोड़ा ज्यादा आया ठीक है फिर एक साल गुजर गया फिर एट्थ पढ़ा वैसे ही पूरा साल पढ़ लिया थोड़ा सा ज्यादा था फिर एट्थ कंप्लीट हो गया नाइन्थ में गए ऐसे करते करते आप में आए हो गया का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा था होता है लेकिन आपको सेवेंथ से टेंथ तक के शिफ्टिंग में पता नहीं चला कि सिलेबस एब्रप्टली बहुत बढ़ गया मतलब इट वॉज मैनेजेबल

बहुत तो आप, आप, तो कि ज्यादा अभी तक जो आप साइंस पढ़ते थे वो बहुत बेसिक था अब जो आप फिजिक्स पढ़ोगे उसमें वैक्टर से ही हर चीज की शुरुआत होती है एवरी थिंग मतलब हर चीज जितनी चीजें पढ़ोगे हर जगह आपको वैक्टर नोटे, नोटेशन में आपको हर चीज को डालना है उसी तरीके से केमिस्ट्री पढ़ोगे बहुत बड़ा हो गया मैथ्स पढ़ोगे बहुत बड़ा हो गया कैलकुलस वगैरह एंट्री कर लेगा करेगा इंटीग्रेशन उसी तरीके से बायोलॉजी का अगर आप हेल्पिंग बुक देखोगे तो वो समंदर जैसा है तो इसीलिए के बच्चों को एनसीईआरटी से ही स्टिक करना चाहिए क्योंकि तो सिलेबस का कंटेंट अगर एक्सट्रीमली ज्यादा है ना तो आप मैनेज ही नहीं कर पाते ठीक है तो इट्स अ ह्यूज लीप एलेवेंथ और ट्वेल्थ में चेंज बहुत ज्यादा नहीं होता क्योंकि आप एक साल में ना यूज हो जाते हो इतने बड़े सिलेबस का और एलेवेंथ और ट्वेल्थ का सिलेबस का वॉल्यूम सेम है और अगर मैं कहूँ तो रिलेटिवली जो जो धक्का आपको टेंथ के बाद लगता है कि तो अरे इतना बड़ा सिलेबस टेंथ और एलेवेंथ के बीच का जो गैप है ना उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए सिलेबस इतना डिफिकल्ट और कई चीजें आपको पीछे की याद भी नहीं होंगी है ना अब आपसे मोल वगैरह जैसे सपोज तो उन्हें फिजिक्स आपका स्टार्ट तो होगा यूनिट डायमेंशन वगैरह से लेकिन नहीं। नहीं। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए फॉर्मूला एंड ऑल तो अब बहुत चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है बैकलॉग्स नहीं रखो जो टाइम है उसमें ब्रिज फोर्स वगैरह करके आप अपने बैकलॉग्स क्लियर करो ठीक है

फिर थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होती है जो स्कोर के बेसिस पे अगर मान लो कि वेरी गुड स्टूडेंट मैं स्कूल में 70 -75 लाती थी लेकिन अगर मेरा बोर्ड में अचानक आई एम नॉट नोइंग है ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो टू बाई ट्वेंटी को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते और आपने मैथ्स ले लिया एंड

कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स चूज करो क्योंकि करियर आज लिमिटेड नहीं है, तो है? तो ले तो है साइंस या कोई भी सब्जेक्ट लेकिन जब हमें समझ नहीं आता हेटिंग द सब्जेक्ट फिर आपका और ध्यान जाता है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स पे कि मैं इंस्टाग्राम के रील्स चेक करूँ आपका पूरा टाइम किल होता है तो वो नहीं करना है ठीक है नाउ एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आता है जेई और नीट के बीच का डिफरेंस क्या ले लो कि, in मेरा जो है पीसी बी भी ले सकती हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है बट आई डोंट टू डू जेई या नीट तो देखो दोनों ही क्या है चैलेंजिंग एग्जाम्स हैं ठीक है नेशनल एडमिशन टेस्ट के लिए डिफरेंस लाइज इन देयर फोकस एंड आउटकम्स जेई का मेन एम्फोसिस मैथ्स होता है जिससे वो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं नीट का बायोलॉजी होता है जिससे मेडिकल लाइंस में जाते हैं बच्चे ठीक है अब अगर सब्जेक्ट्स की बात करें जेई या जेई से मैं कहूँ तो इंजीनियरिंग और नीट से कहूँ तो मेडिकल ठीक है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आनी चाहिए नीट वालों के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री है बट मैथ्स के बदले बायोलॉजी है डिफिकल्टी लेवल देखो बेटा तो डिफिकल्टी लेवल अगर हमें सब्जेक्ट के बहुत इन डेप्थ से क्वेश्चन लाना है वैसे जेई मेंस e. और नीट दोनों में ही एनसीईआरटी बेस्ड एनसीआर आते हैं लेकिन जेई एडवांस का क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो डिफिकल्टी लेवल इसकी ज्यादा होती है समझे लेकिन सीट्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा है अगर हम नीट की तुलना में देखें तो नीट में मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बहुत कम होते हैं वेरी लिमिटेड और प्राइस पॉइंट पे भी बात करें तो फीस स्ट्रक्चर ऑफ मेडिकल इज क्वाइट हाई अगर हम नीट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के देखें तो उससे लगभग थ्री टू फोर टाइम्स ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस की होती है अगर हम अटेम की बात भी करें तो जेई हमें दो चांस देता है नीट में अभी तक एक ही चांस मिलता है तो क्वेश्चन का लेवल बेसक नीट का इजियर होता है देन लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो है ना कॉम्पिटिशन को बिल्कुल बराबर का बना देता है इट इज इजियर टू पास जेई मीनस देन नीट ऐसा हो जाता है यहाँ पर नीट में अगर लेकिन फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी और आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल जो होंगे जनरली फॉर्मूला बेस्ड जाते हैं ठीक है लेकिन अगर आपको जेई एडवांस भी क्लियर करना है तो बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए मोर एनालिसिस ऑन द कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए कॉन्सेप्ट बेस्ड पूरा ऐसा नहीं है कि नीट में कॉन्सेप्ट नहीं है कॉन्सेप्ट नीट में भी है लेकिन जेई में थोड़ी सी ज्यादा मकअप करनी है तो फिर सीट का चक्कर है इधर सीट कम है तो उधर सीट ज्यादा है तो मिला जुला करके स्टूडेंट पे जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट बराबर -बड़ का है तो इट्स ओनली योर इंटरेस्ट इफ यूर इंटरेस्टेड इन, इन बायोलॉजी क्योंकि ट्वेल्थ और इलेवेंथ की बायोलॉजी भी बहुत वास्ट है बहुत वास्ट है तो उसको याद अगर आपको रटने वटने में इंटरेस्ट है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती है तो देर हैजू बी एन नंबर ऑफ ट्रिक्स आपको बनना पड़ेगा बहुत सारी चीजें ट्रिक्स से याद करते हैं केमिस्ट्री तो दोनों के लिए सेम अप्लाई होती है एनसीआर टी लेकिन केमिस्ट्री में फिर भी कम ट्रिक्स हैं लॉजिकली बहुत ज्यादा चीजें हैं लेकिन बायोलॉजी में लॉजिक्स हैं लेकिन साथ के साथ एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आपको याद करनी पड़ेगी बहुत सारे नाम याद रखने पड़ते हैं तो नाउ सी वट इज योर इंटरेस्ट आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत थॉटफुली अपने आप को कहाँ देखते हैं टेन ईयर्स के बाद उस हिसाब से चूज करो चूज योर पाथ डोंट कॉपी एनी एल्स आप अपने दोस्तों को कॉपी मत कीजिए आज वो दोस्त है कल आपके फिर नए दोस्त बनेंगे है ना इसीलिए अपना रास्ता खुद बनाइए आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो विश यू ऑल्थ के लिए जो new session है उसके batches start हो रहे हैं फ्रेश बैचे स्टार्ट होंगे आपके फिफ्टीन अप्रैल से और बी वाई zoom यू कैन ज्वाइन द बैच आपको बैच ज्वाइन करने के लिए यू कैन राइट एट दिस आई या इस नंबर पर व्हाट्सएप या एस एस कर सकते हैं जूम पे क्लासेस होंगी लाइव इंटरक्शन होंगे और आपको सारे एनसीआरटी बेस्ड जो पढ़ाई कराई जाती है वो कराई जाएगी जो कि बदलते चेंज ऑफ पैटर्न में आपको बहुत जरूरी है कि एनसीआरटी की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो उसके अलावा आपको नोट्स दिए जाएंगे टेस्ट होंगे क्लासेस होंगे एंड एवरी इंटायर कॉन्टेंट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो सब दिए जाएंगे तो कोर्स फीस विल बी रुपीज वन थाउजेंड पर मंथ ठीक है इट विल बी ऑन मंथली बेसिस तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं